राजधानी जयपुर में ईडी की कार्रवाई और जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की फिर से कार्रवाई हो रही है। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करने की सूचना आ रही है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। पीएचईडी के दो बड़े अधिकारियों पर भी छापेमार कार्रवाई की सूचना आ रही है। दो ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की टीमों द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी जयपुर में कुल 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की सूचना आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की छापेमार कार्रवाई और दो अधिकारियों के ठिकानों पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना का ऐलान किया गया था और उस मिशन का एजेंडा था कि हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे। किसी गरीब को कई किलोमीटर तक चलकर पानी के लिए भटकना ना पड़े, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये सपना देखा था कि हर गरीब के घर तक भी जल पहुंचे नल के माध्यम से, और इसीलिए जल जीवन मिशन का आगाज किया गया था। लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी तब उठी जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आरोप लगाए थे कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इस मिशन में घोटाला किया गया है। और अब इस मामले को लेकर पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं और महेश जोशी के घर के बाहर इस वक्त गौरव मौजूद हैं। गौरव, किस तरीके की हलचल देखी जा सकती है? देखिए, फिलहाल आप हमारे पीछे कुछ तस्वीरें देख पाएंगे। यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो एक मकान बताया जा रहा है, ये जो महेश जोशी हैं उनका मकान है, जो कि फिलहाल एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान है जिसके अंदर अभी काम चालू था। लेकिन आप देख पाएंगे पीछे जो ईडी के अधिकारी हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं और 4 यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद बताए जा रहे हैं। चूंकि जो जल जीवन मिशन के अंदर हुई पैसों की बंदरबांटी, कौन अधिकारी थे, कौन ठेकेदार थे, जिनकी मिली भगत से ये पूरा कारनामा जो है बाहर आया था, और ईडी इसके पीछे पिछले 6 महीने से लगातार नंदिनी जो है लगी हुई थी। और ऐसे में ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, चूंकि ये बात थी चुनाव से पहले की। लेकिन अब चुनाव के बाद जब इस तरह की सख्त कार्रवाइयाँ होती नजर आ रही हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ एक बड़ा जो है उजागर हो सकता है। ऐसे में दो जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, और दो अधिकारियों के साथ साथ ही दो जो अन्य ठेकेदार हैं उनके यहाँ पे भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीछे जो ईडी के अधिकारी मौजूद हैं वो ये जानकारी जुटाने आए हैं कि किस तरीके से जो बिल थे, जो पास किए गए, जो पाइपलाइनें थे जो बिछी ही नहीं थी, उनके बिल पास कर दिए गए, और उसके अलावा जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए करोड़ों रुपए के जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको लेकर के अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जानी है, इसको लेकर के ईडी जो है काफी सक्रिय नजर आ रही है और एक साथ 6 जगह पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। नंदनी जी, आप बिल्कुल, गौरव, जल जीवन मिशन को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे और अब इस मामले को लेकर ईडी जो है बेहद सक्रिय है राजस्थान में और सीधे तौर पर गाज महेश जोशी के ऊपर गिरती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के।